हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू का पराठा और बैगन का भरता। चलिए देखते हैं बैगन का भरता और सत्तू का पराठा हम कैसे बनाते हैं। और ये एक बिहारी रेसिपी है जो बिहार में, इंडिया के बिहार स्टेट में बहुत खाया जाता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे फ्राई चने को ग्राइंड करके सत्तू बनाया है, क्योंकि यहाँ पे सत्तू का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सत्तू के लिए, स्टफिंग के लिए जो मसाले हमने तैयार करके रखे हैं, ये एक दो मीडियम ऑनियन, एक कटा हुआ नींबू और दो चम्मच चॉप्ड किया हुआ गार्लिक, दो चम्मच चॉप्ड किया हुआ जिंजर, कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली। सत्तू में डालने के लिए किसी भी अचार से दो चम्मच अचार का मसाला और दो तीन चम्मच अचार का तेल निकाल के आप इसमें डाल लें। स्वाद के अनुसार छोटा एक चम्मच नमक, स्टफिंग बनाने के लिए सत्तू और अचार और उसके तेल को अच्छे से मिला लें। अब इसमें हम कटे हुए ग्रीन चिल्ली, चॉप्ड किया हुआ ऑनियन, चॉप्ड किया हुआ गार्लिक, चॉप्ड किया हुआ जिंजर, चॉप्ड किया हुआ कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे और एक नींबू के टुकड़े को रस निकाल के इसमें डालेंगे और इसको फिर अच्छे से मिला लेंगे। इसको इतनी अच्छे से मिलाना है कि मसाले, सत्तू और जो भी हमने वेजिटेबल्स जो भी हमने काट के डाले वो साथ में एकदम मिल जाए। सत्तू को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। डो बनाने के लिए हमने एक बॉल में आटा लिया है, उसमें एक चम्मच अजवाइन और एक चम्मच काला जीरा और थोड़ा तेल डालकर इसमें हम इसका एक डो बनाएंगे। इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर हम इसका डो बनाएंगे। डो को इस तरह से अच्छे से मल ले। डो को इस तरह से ऊपर से तेल लगाकर 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे।
सत्तू और डो को हमने मिलाकर अच्छे से 10 मिनट के लिए ढककर रख दिया है। अब हम बनाएंगे बैंगन का भरता। बैंगन के भरते के लिए हम एक बोल में लेंगे एक छोटा बैंगन और इसमें दो छोटे मीडियम पोटैटो और एक छोटा टमाटर और चार पांच हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक और सरसों के तेल डालकर हम इस बोल में प्याज और कटा हुआ कोरिएंडर लीव्स डालकर इसको हम अच्छे से भरते के लिए मिक्स कर लेंगे। बैंगन और आलू और टमाटर को हमने चूल्हे में पहले सेक लिया था तो उसके छिलके हम पहले से निकाल कर हमने रख दिया है और इसमें हम अब ऑनियन और कोरिएंडर लीव डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा बैंगन का भरता रेडी हो गया है। हम बनाएंगे अब पराठा। डो का हम इस तरह से बॉल बनाएंगे जो नॉर्मल रोटी के साइज से थोड़ी सी बड़ी होगी। सत्तू की स्टफिंग हम पराठे के अंदर ऐसे अंदर डालेंगे और इसको ऐसे इसकी मुंह हम ऐसे बंद करेंगे ताकि सत्तू की जो मिक्सचर है वो बाहर ना निकले। नॉर्मल पराठे से इसकी साइज थोड़ी छोटी होती है। तवे को मैंने पहले गरम कर लिया है। अब पराठे को हम जैसे सेकते हैं वैसे ही इसको सेकेंगे और इसके ऊपर जब ये बन जाएगी ऊपर से थोड़ी घी डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से हम घी डालकर इसको ऊपर नीचे करके पराठे को हम पकाएंगे। साइड से थोड़े दबा दबा कर इसको बनाना है ताकि ये अंदर से जो भी कच्चेपन है वो अच्छे से पक जाए। ये पराठा हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। मेरा आज का बैंगन का भरता और सत्तू का पराठा बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।